नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोया चंक्स करी, जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और हर किसी के घर में डेली बनता ही है। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो बिल्कुल भी मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सोया चंक्स है, जिसे हम अक्सर घर में सोया बीन कहते हैं। वैसे तो ये सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इन्हें सोया चंक्स कहते हैं और ये पावर प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनके बहुत सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू हैं और इसके बारे में हम सब ऑलरेडी जानते हैं, तो ये बात करके मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सोया चंक्स को मैंने आधे घंटे के लिए भिंगा के रख लिया था। आप चाहें तो एक घंटे के लिए भी इसे भिंगा के रख सकते हैं। अच्छी तरीके से आप इसे निचोड़ लीजिए और इसका सारा पानी निकाल लीजिए। 2 से 3 बार इसे अच्छे से वॉश कीजिए ताकि इसका जो फोम है ना, वाइट वाला, वो निकलना बंद हो जाए। वो 2 से 3 बार में आराम से निकलना बंद हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा कढ़ाई में तेल गर्म किया है। मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है सरसों का तेल, क्योंकि इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। अब इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं सारे सोया चंक्स। अब इनको लो फ्लेम पे हम थोड़े वक्त के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि हल्के हल्के सुनहरे नहीं हो जाते हैं। सुनहरी होने के बाद मैंने इस तरीके से इन्हें प्लेट में निकाल के साइड रख लिया है। अब सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे हम। आप चाहें तो दूसरा कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़े से प्याज कटे हुए। अब इस प्याज को अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनिए ताकि ये हल्का ब्राउन हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। अब तब तक जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने कर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार। और आलूओं को मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं छोटे छोटे क्यूब शेप में। अगर आप आलू नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू के साथ सोया चंक्स बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज के हल्का भूनते ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे थोड़े वक्त के लिए, ताकि गार्लिक और जिंजर का जो कच्चा फ्लेवर है और खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। तो मैं यहाँ आलूओं को वाटर से निकाल कर अच्छी तरीके से इन्हें प्याज के साथ थोड़े वक्त के लिए फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इसमें अब थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि आलू बहुत जल्दी पक जाए। सोया चंक्स को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आलू हमने स्टार्टिंग में फ्राई नहीं किया था, इसीलिए इस वक्त ऐड करके मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। धीमे आँच में ही इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कीजिए। इसे 5 से 7 मिनट लगता है। आलू हल्के से बॉयल हो जाएंगे, उसके बाद इसमें ऐड कीजिए हल्दी, क्योंकि नमक हमने ऐड किया है, तो आप नमक आखिर में चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। थोड़ी सी जीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हरी मिर्ची का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लाल मिर्ची का पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बस कलर के लिए है, तीखा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद इन आलूओं को अच्छी तरीके से और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए, ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी। मैंने पहले से ही टमाटर की प्यूरी बना रखी थी, तो बहुत आसान है। मिक्सर का जार लीजिए, उसमें 2-3 टमाटर ऐड कीजिए और अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लीजिए विदाउट एनी वाटर। तो बस टमाटर की प्यूरी ऐड हो गई है, उसे अच्छे से चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और यहाँ थोड़ा सा नमक चेक कर लीजिए, अगर नमक कम है तो आप इस वक्त ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फाइनल लास्ट में ऐड कर लीजिएगा। अब इसे अच्छे से पकने दिया है मैंने 5 मिनट के लिए। आलू ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, तो इसमें मैं सोया वड़ी ऐड कर ले रही हूँ, जिसे सोया चंक्स भी कहते हैं। इन्हें ऐड करने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला मैंने यहाँ ऐड किया है, और अच्छी तरीके से इन्हीं सारे मसाले के साथ मैंने सोया चंक्स को अच्छे से मिला लिया है। यहाँ मैंने आमचूर का पाउडर का इस्तेमाल किया है। आपको अगर आमचूर का पाउडर नहीं ऐड करना है तो आप स्किप कर सकते हो। आमचूर का पाउडर ऐड करने से थोड़ी सी खटास आती है, जो बहुत ही टेस्टी बनाता है सब्ज़ी को। तो थोड़े वक्त के लिए, 2-3 मिनट के लिए मैंने इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है मसालों के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे गुनगुना पानी। मैं हमेशा आपको एडवाइस करती हूँ कि आप जब भी कढ़ी बनाएं, कढ़ी में हमेशा हल्का गुनगुना गर्म पानी का इस्तेमाल करें।
क्योंकि हल्का गुनगुना पानी ऐड करने से इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल बरकरार होता है। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब आप इस प्रोसेस को मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे लो फ्लेम पे किया है। लो फ्लेम पे आपको तकरीबन ये सब्ज़ी पकने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा। तो ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल डन हो गई है यहाँ पे। तो कवर करके मैंने इसे थोड़ी देर पकने दिया है 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप यहाँ नमक चेक कर लीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद मिक्स करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। तो यमी यमी सोया चंक्स और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। पहली बार विज़िट कर रहे हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।